तो सबसे सब पहले अपन बात करते हैं कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की सोशलिज्म अब क्या होता है सोशलिज्म होता है सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी सोशलिज्म वाले जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाई सोसाइटी की ओनरशिप होनी चाहिए कारपोरेट होनी चाहिए हर एक चीज़ें है, है मतलब गवर्नमेंट ओन होनी चाहिए और बस हमारे हमें फ्रीडम होनी चाहिए हमारी बेसिक नीड्स हमारी बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए और सोशल इकोनॉमिक इक्विलिटी होनी चाहिए कैपिटलिज्म क्या बोलता कि है कि फ्रीडम ऑफ मार्केट होनी चाहिए इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए ठीक है इंडिविजुअल इंडिविजुअल के प्रॉफिट पर ध्यान देना चाहिए और जो लोगों के पास होनी चाहिए होनी चाहिए पॉलिटिका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए लिबर्टी होनी चाहिए अब कैपिटलिज्म में दिक्कत कि रिच भाई रिच होते जा रहे थे और जो पुअर थे वो पुअर होते जा रहे थे इसमें इक्वलिटी बढ़ रही थी सोशलिज्म बोलता था कि भाई हमें इक्वलिटी और सोशल इक्वलिटी मतलब सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटी चाहिए हमें पैसे और मरी तब सबसे बराबरी चाहिए अब सोशलिज्म इज अ फीचर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी इट वॉज द रिएक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम ऑफ इनक्विटी बिकॉज ऑफ द कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन सोशलिज्म इज एसेंशियल इकोनॉमिक डॉक्टर में आ रहा होगा अकॉर्डिंग टू द सोशलिस्टिक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी नीड्स नॉट टू बी बर्गनाइज ऑन कैपिटलिस्टिक लाइन कि सोशलिस्ट बोलते थे कि भाई जो मॉडर्न इंडस्ट्री बना रहे बना हो आप उन्हें कैपिटलिस्टिक मत बनाओ कि मतलब प्राइवेट ओनरशिप मत रखो उनकी उन्हें बनाओ आप सोशल ओन सोसाइटी जिनको ओन करे जैसे कि कॉपोरेटिव बैंक्स बन जाते आजकल और कलेक्टिविज्म यूज़ करो फिर आगे बात करते हैं अपना कि सोशलिज्म स्टैंड्स सोशल इकोनॉमिक स्टैंडल मैंने बताया सोशलिज्म सोशलिज्म के, के कुछ फॉर्म होते हैं और जो उसका एक एक्सट्रीम फॉर्म होता है उसे बोलते हैं communism. वो डेफिनेशन है जो कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स इज कॉल्ड सोशलिज्म गिवन बाय कार्लमार्क्स इज नॉन एज कम्युनिज्म अ फीचर ऑफ कम्युनिज्म की बात करते हैं द मैटर ऑफ ब्रिंगिंग कम्युनिज्म ऑन ए सजेस्टेड बाय मार्क्स इज वायलेंट जो कार्ल मार्क्स ने सजेस्ट करा था कि कम्युनिज्म ऐसे लेके आना भाई वो वो तरीका था उसने बोला था कि मारो काटो पर किसी भी कैपिटलिस्टिक लोगों को हटाओ और आप आप कम्युनिज्म लेके आओ ठीक है कम्युनिज्म मतलब आप गवर्नमेंट या फिर लोगों के हक़ में सोसाइटी ओन्ड होनी चाहिए चीज़ें प्राइवेट ओनरशिप आप एकदम तरीके से हटा दो इसको एक तरीके से रेड रेवोल्यूशन बोला जाता बोला जाता था जैसे अपना अभी स्लाइड वाले काम है वो कम्युनिज्म है ठीक है कम्युनिज्म एक ओटोपिया जो कभी भी एक्सिस्टेंस में नहीं आया अभी तक अपन बात करेंगे आ, हाँ कम्युनिज्म वाले जो लोग थे वो क्लासलेस सोसाइटी और स्टेटलेस सोसाइटी जाते थे बोलते कि क्लास नहीं हो सोसाइटी में और स्टेट बाउंड्रीज ना हो नेशन मिशन कुछ ना हो स्टेट में स्टेट कुछ ना हो अब अपन बात करेंगे फेबियन सोशलिज्म फेबियन सोशलिज्म क्या है जो अपना इंडिया में आजकल फॉलो होता है नेहरूबियन सोशलिज्म भी बोलते हैं इसे सोशलिज्म फाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेबियन सोसाइटी ऑल्सो वन इक्वलिटी बट डिफर फ्रॉम कम्युनिस्ट इनको सोशल अपनी अपनी जो फेबियन सोसाइटीज़ हैं सोशलिस्ट हैं उनको भी इक्वलिटी चाहिए बट उन्हें कम्युनिस्ट की तरह नहीं चाहिए मतलब उन्हें मार धड़ करके नहीं चाहिए वो जो सोशलिज्म लाएंगे वो लेके आएंगे लेजिस्लेटिव मैथड करके लेजिस्लेटिव मीन के द्वारा ठीक है मार्क्स मार्क्सेंस स्टेट एंड टू एंड द स्टेट फेबी एन स्टैंड फॉर डेवलपमेंट थ्रू थ्रू अपन डेवलपमेंट करेंगे ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ अपन बात करेंगे वेलफेयर स्टेट इंडिया के वेलफेयर स्टेट क्यों है क्योंकि अपन बात करते हैं मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर टू मेंटेन अगर आप स्टेट का काम क्या होता है स्टेट का पहले काम क्या होता कि बस मेंटेन करे वो लॉ एंड ऑर्डर को बट वेलफेयर स्टेट का होगा वो ये भी देखेगा कि सोशल इकोनॉमिक रिस्पॉन्स पॉसिबिलिटी भी होगी उसकी कि भाई जो लोग हैं वो सोशल इकोनॉमिकली इक्वल हों जो वेलफेयर स्टेट होते हैं वो लिबरल प्लस सोशलिस्ट मिलके बनाते हैं इसे मिक्स इकोनॉमी भी बोलते हैं लिबरल का मतलब क्या होता है कैपिटलिस्ट लिबरल को पॉलिटिकल टर्म ऑफ कैपिटलिस्ट से के लिबरल और सोशलिस्ट आपको पता ही है ठीक है मिक्स इकोनॉमी बन गई इन सोशलिस्ट कंट्री यू विल हैव ओनली ड्यूटीज नो राइट्स कि आपके पास बस ड्यूटीज होंगी कोई राइट्स नहीं होंगे और जो कैपिटिस्टिक होती है उसमें आपके पास राइट्स होंगे जैसे आपके पास फंडामेंटल राइट्स होंगे बट सोशलिज्म आपको क्या देगा फंडामेंटल ड्यूटीज के भाई तुम्हारी ड्यूटीज क्या है द एसेंशियल फंक्शन ऑफ स्टेट इज पुलिसिंग करना स्टेट का पहला फंक्शन क्या था कि मेंटेन मतलब करना लो एंड ऑर्डर मतलब पुलिसिंग करना ठीक है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कैपिटलिज्म फ्रॉम सोशलिस्ट चैलेंज कैपिटलिज्म बिकम ह्यूमन अब क्या था कि भाई कैपिटलिज्म के बहुत सारे दुश्मन बन रहे थे सोशलिज्म बन रहे थे ये बन रहे थे वो बन रहे थे तो कैपिटलिज्म थोड़ा सुधरा जिससे जो अपने काइन है ठीक है काइनी ने अपना रिकमेंड किया वेलफेयर स्टेट को तो ये वेलफेयर स्टेट बना कि आप सोशल इकोमिटी फंक्शन पे भी ध्यान दो तो जो वेलफेयर स्टेट इज अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म जो अपने इंडिया में देखा जाता है अब तो अपन बात करेंगे राइटेस्ट की लेफ्टेस्ट इन सब चीज़ों के बारे में तो सबसे पहले अपन बात करें राइट लेफ्ट से पहले सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है कि भाई सेंट्रिस क्या होते हैं या फिर लिबरलिज्म क्या होता है तो जैसे मैंने बताया लिबरलिज्म इज अ पोलिटिकल टर्म ऑफ कैपिटलिज्म की आप बात करें लिबर्टी के ऊपर कि भाई हमें हमारी लिबर्टी चाहिए हमें फ्रीडम चाहिए हमें ये चाहिए वो चाहिए ये होता है लिबर्टी की बातें यहाँ पर आप बोलते हैं कि भाई मार्केट से चलना चाहिए चीज़ें मार्केट होनी होनी चाहिए प्रॉफिट ओरियंटेड होना चाहिए चीज़ें और ये बोलते थे चैलेंज करो कस्टमर ट्रेडिशन को ट्रेडिशन को नहीं मानते थे बस ये बोलते थे कि राइट प्रॉपर्टी होना चाहिए इंसान के पास अब थोड़ा इससे अपन लेफ्ट चलते हैं इससे जब अपन लेफ्ट गए मैंने छोड़ा उल्टा बनाया हुआ है चलो कोई नहीं अगर आप इससे लेफ्ट गए तो सोशलिज्म आया सोशलिज्म क्या है सोशल इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटी अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टीज ठीक है सोशलिज्म बोलता था कि सोशल इकोनॉमिक इकॉनिक होनी चाहिए उसको सोशलिज्म वालों को फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर लेफ्टिस्ट ब्लॉक भी बोलते हैं और ये लोग पुअ लोग सपोर्ट कर देते हैं ठीक है अपन राइट साइड गए कंजर्वेटिज्म आया कि बोलते हैं कस्टम ट्रेडिशन चेंज नहीं होनी चाहिए टू प्रॉपर्टी होना चाहिए और ये लोग अपर क्लास और मोनार्स लोग प्रॉफिट करते थे क्योंकि उस समय वो सबसे ज्यादा प्रेविलिज क्लास थे और अगर ये अगर लेफ्ट साइड अब गए तो वो जनता में बांट देंगे तो उनको नुकसान होगा तो ये अपर क्लास और मोनार्स लोग फेवर करते थे आप करतेंजर्वेटिज्म का भी अगर हाई हाई, हाई 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 क्लास करें तो उसे बोलते हैं फंडामेंटलिज्म जो बोलता है कि नो चेंज एट ऑल और एक और चीज आती है fascism, जो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा थोड़ी देर से तो आप पॉइंट देख लेते हैं राइटिस्ट के क्या होते हैं राइटिस रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द एलीड क्लास ठीक है दे बिलीव इन प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन डू नॉट बिलीव दैट मैन इज सो रेशनल दैट दे कैन गिव गिवन अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन ट्रेडिशन अब यूएस का एग्जाम्पल लेकर देखें तो यूएसए अपनी एकदम लिबरल स्टेट इसलिए उन्हें बनाया हुआ स्टेचू ऑफ लिबर्टी उन्हें रिपब्लिक और प्योर रिपब्लिक जो उसमें रिपब्लिकन गवर्नमेंट है एक रिपब्लिकन पार्टी और एक डेमोक्रेट पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी प्योर कैपिटलिस्ट है और डेमोक्रेट पार्टी अपने तरीके से वेलफेयर स्टेट बनाती है ठीक है आप फैसिज्म की बात करें फैसिज्म एक एक्सट्रीम राइटिज्म होता है यहाँ पर आप बात करते हैं फिनाम ऑफ मास पॉलिटिक्स जैसे इंडिया में चलती है जैसे हिटलर ने चलाई थी कि हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम जूस व्यूस ये सब चीजें अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन में थी अब आप सबसे पहले इनको समझे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरलिज्म को तीन चीजें आना जरूरी है डिवोल्यूशन डेलीगेशन और डिसेंट्रालाइजेशन डिवोल्यूशन क्या होता है कि जब आपका पावर जो आपको पावर दे वो लेजिस्लेचर बना के दे जो आपको पावर जैसे स्टेट को पंचायत को पावर स्टेट देता है तो वैसे ही वैन पावर कम लेजिस्लेचर लॉस अब डेलीगेशन क्या होता है पावर कम फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑर्डर वीकेस्ट होता है क्योंकि भाई एग्जीक्यूटिव ने आपको पावर दी और उन्होंने पावर ले ली डिसेंट्रलाइजेशन कम फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन पावर कम फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ जैसे इंडिया में स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूट है वो है पावर कम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द पावर ऑफ एंड लोकल गवर्नमेंट आर इधर डिवॉल्ट और डेलीकेटेड बाय यूनियन अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ़ गवर्नमेंट वो है जब जिसमें जो पावर आती है प्रोविशल और लोकल गवर्नमेंट के पास वो पावर आती है किसके थ्रू वो पावर आती है डिवॉल्यूशन ऑफ डेलीकेट मतलब लजिसलेचर पावर देता है या फिर एग्जीक्यूटिव पावर देते हैं फेडरलिज्म में क्योंकि जो पावर आती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रती है जैसा इंडिया में वैन द पावर ऑफ प्रोविजनल लोकल गवर्नमेंट और कमिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन रेदर देन यूनियन ठीक है अब कम्पेजन बिटमिन करते हैं यूनिट्रीन कॉन फेडरेशन कॉनफेडरेशन एकदम अपोजिट है अपना यूनिट्री का इन यूनिट्री सेंटर गिवस पावर टू द यूनिट्स यूनिट्री में सेंटर पावर देता था यूनिस्ट को बट कॉन्फेडरेशन में यूनिट्स मिलकर पावर देती है सेंटर को एग्जाम्पल ले है सकते हैं अपना सार्स ग्रुप जैसे कि साउथ एशियन साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन या फिर यूएसएसआर इसमें अलग अलग यूनिट थी उन्हें सेंटर को पावर दी पर वो जब भी यूनिट है वो चाहे वो अलग होकर बिछड़ सकती हैं ठीक है अब डिफरेंस करते हैं अपन फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन फेडरेशन में क्या होता है यूनियन होती है कि कोई भी चीजें के नहीं जा सकती इंडिया में स्टेट है वो इंडिया से अलग नहीं हो सकते उनमें कोई राइट नहीं है बिछड़ने का ठीक है नो राइट टू कंडक्ट इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज अब कॉन्फेडरेशन में क्या होता है कि स्टेट जब चाहे अलग हो सकते हैं जब चाहे बिछड़ सकते हैं जैसे यूएसआर में हुआ सारे के सारे मेंबर सब बिछड़ गए अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल एंट्रप्रनिंग की बात करते हैं हाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कैसा इवोल्यूशन हुआ सबसे पहले कंपनी रूल था कंपनी रूल के टाइम पे चार पांच कुछ एक्ट आए छाए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेवेंटी सेवन थ्री पिट्स इंडिया एक्ट सेवेंटी एटी फोर और चार चार्टर एक्स आए सेवेंटी नाइन्टी थ्री और बी साल के बाद सेवनटीन नाइनटी थ्री आठ सौ तेरह आठ सौ तैतीस और एटीन फिफ्टी थ्री अब इसका क्या हुआ एटीन फिफ्टी सेवन में कंपनी रूल खत्म करा गया और एटीन फिफ्टी एट से क्राउन रूल चालू करा गया क्वीन विक्टोरिया को बना दिया गया रानी अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेवन सेवन थी द फर्स्ट एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द कंपनी पहला था ब्रिटिश uh, पार्लियामेंट का जिससे आप रेगुलेट करोगे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द कंपनी ठीक है बैकग्राउंड ऑफ आप बात करते हैं इसके बैकग्राउंड उस समय हो क्या रहा था इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी गेट रॉयल चार्टर्स विच गेप इट मैनोपली टू ट्रेड विथ इंडिया एंड ईस्ट ईस्ट चाइना मतलब ईस्ट मतलब जो अपना चाइना था क्या हुआ रहा था कि उन लोगों ने कुछ राजा महाराजों से मिल लिया और उन लोगों के पास मोनोपोली थी ट्रेड करने की इंडिया में और ईस्ट चाइना में ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी मैनिपुलेटेड पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया एंड बिकेम सेमी सोवर एंड मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रही थी पोलिटिकल कंडीशन एबो कर करके अब सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर जब अपना रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया था उससे पहले क्या हो रहा था जो डूअल गवर्नमेंट बना दी PLASI, PLASI थी लॉर्ड क्लाइफ ने एज अ रिजल्ट ऑफ प्लासी जो प्लासी हुई थी फिफ्टी में और प्लासी बक्सर हुई थी सेवनटीन में बिहार

कंपनी वाले अंग्रेज और निज़ामत जो भी क्रिमिनल जस्टिस करना होगा वो करेंगे नवाब लोग अब बात करते हैं वॉट टाइप ऑफ गवर्नेंस गवर, कंपनी हेड इस्टेब्लिश कंपनी ने किस तरह की गवर्नेंस इस्टेब्लिश करी थी ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएटेड कन्फ्यूजन का जो टूर एडमिशन सब कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था पीपल ऑप्रेस रहे थे कंपनी और नवाब से क्योंकि भाई कंपनी क्या कर रही थी कि हवी रेवे दे रही थी और एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं कर रही थी जिसके चक्कर में फेवर आया था बंगाल में और वो अपने जो क्रॉप्स थे वो फूड क्रॉप्स को हटा के बोल रहे थे कि भाई वो पॉप और इंडीगो लगाओ ये सब चीज़ें इन ब्रिटेन देयर अवसर डिमांड टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी अब ब्रिटेन में डिमांड भी चल रही थी कि क्या अपर को कंपनी पर लगाम लगानी पड़ेगी मनी प्रोमिनेट पर्सन और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी और जो इसलिए इसलिए भी उनको इंटरवीन करना पड़ रहा था और कंपनी रिक्वेस्टेड कंपनी भाई घाटे में जा रही थी उसके जो लोग थे वो करप्ट होते तो जा रहे थे जो लोग भाई जब करेक्ट, करप्ट हो रहे थे तो आ, आ, कंपनी जब पैसे भेज रही थी तो तब तब भी जाके वो जो आपकी कंपनी थी प्रोसेस में जा रही थी तो उसमें उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है हटाओ कंपनी रूल को हटाओ अपन इस इंडिया कंपनी को हटाओ अपन डायरेक्ट अपना रूल चालू करते हैं फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी एडमिनिस्टर्टिव अपटिल नाउ डिसीजन बट टेकन बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी तक क्या हो रहा था कि जो कंपनी के डिसीजन थे वो डायरेक्टर्स लेते कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ट्वेंटी वन मेंबर्स हुआ करते थे डिस डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाई शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ठीक है अब चेंजेस व इंट्रोड्यूस बाय रेगुलेटिंग एक्ट अभी अपन बाद में पता करेंगे